थाना न्यूयॉर्क क्षेत्र निवासी छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने जिस तरह से हड़कंप मचा दिया था उसी रफ्तार में पीड़िता के होश आ जाने के बाद बयान के आधार पर पुलिस ने इस दुष्कर्म की घटना में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ जारी है, संभवतः पुलिस चारों दुष्कर्मियों को कल तक जेल भेज देगी। एसपी सिटी रोहन प्रमोद ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के बयान के आधार और सूत्रों को जोड़ते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, कल जब हमें एक महिला की लड़की की जब हालत पता चली कि बस उस अस्पताल में बुरी हालत में एडमिट किया गया है, हमारे द्वारा उसका इंस्पेक्शन भी किया गया, जो मेडिकल लीगल जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो व्यक्ति उन्होंने कहे हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है और उनके साथ अभी पूछताछ चल रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज और जो भी कॉल डिटेल्स है वो एनालाइज किए जा रहे हैं, थोड़े ही क्षण में कुछ पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। अभी करीबन चार आरोपी हमारे हिरासत में है, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। कुछ और लोगों के खिलाफ है? नहीं, यही चार आरोपी उनके द्वारा बताए गए थे कि ये हो सकते हैं उसमें जो सीसीटीवी फुटेज में है। अभी सारी चीजें जब बात करेंगे तो पता चलेगा। दिनांक 29 जनवरी 2020 को छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा, लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि माता पिता की परवरिश में क्या कमी रह जाती है कि आज का युवा अपने नापाक इरादों को अंजाम देने से पहले अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जान पा रहा है। यह कहा जाता है कि परवरिश का पूरा असर संतान पर पड़ता है और हमारी परवरिश ही बच्चे को इंसान और हैवान बना सकती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए मनोज कुशवाहा के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।